चलिए बात कर लेते हैं इस म्यूचुअल फंड के बारे में। ये भी म्यूचुअल फंड बहुत पर्सनली मुझे पसंद है, क्योंकि मैंने भी इससे बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट किया है। ICICI बैंक, इन्फोसिस लिमिटेड। मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपका पैसा जो ये म्यूचुअल फंड है वो यहीं लगाने वाला है, इन्हीं कंपनियों में वो म्यूचुअल फंड रुपए लगाने वाला है। HDFC बैंक लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एम्फेसिस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, SRF, आदर्श गुजरात गैस लिमिटेड और एक्सिस बैंक लिमिटेड। एक्सिस बैंक लिमिटेड हो गया। अभी और भी कंपनियां हैं वो भी देख लेते हैं। इमामी लिमिटेड, SCL टेक्नोलॉजी, एक्सिस बैंक लिमिटेड और गुजरात गैस। और इसके बाद फिर कंपनियां भरमार है, भारतीय एयरटेल, अल्ट्राटेक सीमेंट, क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इक्विटास होल्डिंग्स। ये बहुत अच्छा रिटर्न है, मेरे पास इसका शेयर भी है और बहुत गजब का रिटर्न इसने पर्सनली अभी मेरे पोर्टफोलियो में करीब 80% के आसपास रिटर्न इक्विटास पे चल रहा है। अशोक लेलैंड लिमिटेड, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, SRT। मैंने इसको फ्रेंड्स, SRT मुझे पर्सनली क्यों पसंद है, मैंने इसको 1200 में खरीद के 1500 में बहुत बार बेचा है इसको। और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इस पर मेरे को बड़ा दुख है फ्रेंड्स, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कि मुझे तो यही लगता है कि काश मैंने रुपए यहीं लगाया होता इसी शेयर पे ही, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने इसको 1700 रुपये में खरीदा था बालकृष्ण इंडस्ट्रीज को, फिर ये 1550 रुपये तक गया और फिर मैंने सोचा कि अब इसको बेच ही दूंगा। 3216 रुपये के आसपास खरीदा मैंने, 1750 के आसपास, फिर मैंने इसको 1782 में बेच दिया। फ्रेंड्स आज तक नहीं आया ये शेयर फ्रेंड, आज 2600 रुपये का चल रहा है, अभी 4 महीने की बात है। तो जिंदल स्टील, फिनिक्स मिल्स, डालमिया भारत, मिंडा इंडस्ट्रीज, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, डिक्सन टेक्नोलॉजी, क्या बात है। मैंने इसको 11,000 में खरीद के 18,000 में बेच दिया था डिक्सन टेक्नोलॉजी को। लॉरस लैब्स, क्यूमिंस इंडिया, चंबल फर्टिलाइजर्स, ट्रेंट, CSB, ब्रिगेज एंटरप्राइजेज लिमिटेड, प्राज इंडस्ट्रीज, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स, अपोलो हॉस्पिटल्स, क्या बात है। अपोलो हॉस्पिटल्स तो इस समय धमाकेदार रिटर्न दे रहा है सबको, 4,000 के ऊपर पहुंच चुका है फ्रेंड्स, मुबारक हो जिसके पास भी है। सिप्ला लिमिटेड, सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स, नवीन फ्लोरिन, हिंदुस्तान यूनिलीवर, औरबिंदो फार्मा, चोला मंडोलम, क्या गजब कर दिया, ये मंडोल मंडोल गया इसमें तो, सबका मन डोल रहा होगा बिल्कुल, जो इसने रिटर्न दिए हैं इस समय इक्विटी मार्केट में। कांसाई नेरोलैक, JK सीमेंट, क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण लिमिटेड, हनीवेल, हिंडालको, HDFC कॉरपोरेशन, GMM फॉडलर, इंडसइंड बैंक। GMM फॉडलर जिस जो भी होल्ड कर रहा है, मेरा तो यही मानना है उसको होल्ड करके ही चलना चाहिए इस शेयर को, क्योंकि बहुत लोग अभी ऊपर से खरीद के नीचे निगेटिव होंगे। इंडसइंड बैंक मैं हमेशा इससे बच के चलता हूँ, क्योंकि ये यहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं, इसलिए बच के चलता हूँ, क्योंकि मैंने इसको 900 में खरीद के 1100 में बहुत बार बेचा, इसको बहुत बार बेचा। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, आपका पैसा यहाँ यहाँ लग रहा है, किस किस सेक्टर में लग रहा है आपका पैसा, फाइनेंशियल, कंस्ट्रक्शन, टेक्नोलॉजी, ये सब आपको पता होना चाहिए कि आपका जो रुपये है कहाँ का लग रहा है, क्योंकि जब तक आप जागरूक नहीं होंगे म्यूचुअल फंड को देने के बाद पैसा, हालांकि बिल्कुल निश्चिंत होकर सो जाना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं सो, है ना, तो नॉलेज होना चाहिए। फाइनेंशियल, कंस्ट्रक्शन, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग, एनर्जी, ऑटोमोबाइल, केमिकल्स, FMCG, सर्विसेज, मेटल्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, आपका पैसा जो लगने वाला है वो इन सेक्टर पे लगेगा। डाइवर्सिफाइड, कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस एंड कैश होल्डिंग्स। सबसे बेस्ट बात है कि -1.13% कैश होल्डिंग्स है इनके पास, मतलब कैश नहीं रखते अल्टीमेटली, ऐसा समझिए। और इस स्कीम के अगर चलिए आप बात आ जाते हैं चैनल के ऊपर अपने फिर से, कि मैं जो आज बात करने वाला हूँ, एडलवाइस लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। फ्रेंड्स मैंने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दिसंबर में एक आर्टिकल पढ़ा था मॉर्गन स्टेनली का, कि इस साल स्मॉल कैप एंड मिड कैप ये बहुत भागेंगे, और कसम से बहुत भाग रहे हैं ये मिड कैप तो बिल्कुल आग लगाए मचा इस समय, और स्मॉल कैप की तो बात ही अलग है। और इसी वजह से स्मॉल कैप एंड मिड कैप की BSE ने बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस भी लगाए हुए हैं, उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा, इसको कोई नहीं रोक पाएगा। रोकने का मतलब कि ये शेयर सबसे ज़्यादा सस्ते होते हैं, और जो रिटेल इन्वेस्टर जो सबसे ज़्यादा इस समय आ गए मार्केट में, वो चिल्लड़ों को ही खरीदने में ज़्यादा बिलीव करते हैं, और इसीलिए मैंने इस फंड को इसीलिए चुना है, एडलवाइस लार्ज एंड मिड कैप्स फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, इसीलिए मैंने इस फंड को यहाँ चुना है। तो कैश होल्डिंग्स इसमें नेगेटिव है, और 905 करोड़ की ये स्कीम है, ओपन एंडेड ग्रोथ, और सबसे दूसरी बात, सबसे इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, कि इस पे जब रुपए लगाएंगे तो वेरी हाई रिस्क रहेगा। हाई रिस्क क्यों रहेगा फ्रेंड्स, ये देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कैश होल्डिंग्स है ना फ्रेंड्स, वो नेगेटिव में है। नेगेटिव का मतलब है कि ये कैश रखते नहीं है, उल्टा कैश दे देते हैं, तो इनके पास कैश भी नहीं रहता है, प्लस लोन भी रहता है इनके पास। और हर्षद पटवर्धन, ये लाल मुझे इसलिए पसंद है, गुदड़े के लाल,
क्योंकि ये CFA USA से हैं। जैसे इंडिया में चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है और US में क्या होता है, एक CPA होता है और दूसरा जब प्रैक्टिस हो जाती है 10 साल की US में तो वो CFA हो जाता है और काफ़ी अच्छी डिग्री है। हालांकि इंडिया का चार्टर्ड अकाउंटेंट अभी भी सबसे कठिन वर्ल्ड का एग्ज़ाम है, तो वो इनके पास एक्सपीरियंस 25 साल के ऊपर का है। ये हो गया फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं, बात करते हैं कि इसका रिटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट होता है रिटर्न, कि इस फंड ने कितना रिटर्न दिया। फ्रेंड 5 साल में देख लीजिए 117%, 3 साल में 62%। फ्रेंड्स रिटर्न आपको कम लग रहा होगा क्योंकि जो इक्विटी मार्केट में जो खतरों से खेलते हैं फ्रेंड्स, जिनको आग से खेलने की आदत है, उनको फ्रेंड्स ये हल्के छुटपुटे चिंगारियों से मतलब नहीं होता है। उनको उनको रिटर्न बहुत मामूली लग रहा होगा क्योंकि इक्विटी मार्केट में हम सभी लोग आग से खेलते हैं। तो लेकिन फ्रेंड्स ये मानना है कि आग से तो खेलिए, जरूरी है, लेकिन फ्रेंड्स उसके साथ साथ एक सिस्टमेटिक वे में हमको काम करना पड़ेगा अगर मार्केट में टिकना है फ्रेंड्स। इसीलिए म्यूचुअल फंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इन द लास्ट 5 ईयर्स में 117% का रिटर्न दिया, 3 महीने में देख लीजिए 12.5% का रिटर्न दिया, 6 महीने में देख लीजिए 14.5% का रिटर्न। बहुत गजब का है, शानदार, जबरदस्त। और इस फंड का आगे देख लेते हैं कि क्या है। मॉर्निंग स्टार्स और रिसर्च, वैल्यू रिसर्च, इन दोनों ने ही इसको 4 रेटिंग दिया है। रेटिंग भी गजब की है। अगर फ्रेंड्स बात कर लेते हैं मोटा मोटा कि इस फंड में अगर आपने 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किया है, 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किया है और 3 साल लगते हैं, तो 62,000 रुपये अगर 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किया है, केवल 1 साल रखते हैं इसको, केवल 1 साल आपने रखा, उसके बाद उठा के बेच दिया इसको, तो भी फ्रेंड्स आपको पता है कितना मिल रहा है, 56,000 रुपये। बहुत बड़ी रकम है फ्रेंड्स, है ना फ्रेंड्स। और अगर रिटर्न की मैं बात करूँ यहाँ पर, तो रिटर्न आप देख लीजिए आपके सामने है, 3 साल का रिटर्न, चार्ट देख लीजिए, क्या शानदार रिजल्ट, ये देखिए क्या शानदार। ये थोड़ा सा यहाँ कंसोलिडेशन फेज था, वो फ्रेंड्स इसलिए दिख रहा है कंसोलिडेशन फेज क्योंकि ये देखिए 2018 तक चला गया इसी वजह से, और ये कितना है, 20 से, अप्रैल 20 से, ये केवल 1 साल का है। ये भी फ्रेंड्स अगर मैं चार्ट कम कर दूंगा तो ये भी ऊपर हो जाएगा फ्रेंड्स, तो हमें करंट की बात करनी चाहिए फ्रेंड्स। तो ये फंड आपने देख लिया, इसका NAV आपको बहुत सारी यूनिट मिल सकती है। NAV देखिए कितना जबरदस्त है इनका, 55 NAV। और ये देख लीजिए 3 ईयर CAGR 17.5% से हर साल आपके पास जितना भी फंड होगा कंपाउंडिंग होगी इतने से। फंड का नाम आपकी स्क्रीन के सामने, पूरे 1,000 रुपये के लिए इस फंड में आपका मिनिमम 500 रुपये से इन्वेस्टमेंट होगा। एडलवाइस लार्ज एंड मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। फ्रेंड्स नाम बहुत ज़्यादा याद रखिएगा क्योंकि कुछ डायरेक्ट प्लान होते हैं, कुछ नॉन डायरेक्ट प्लान होंगे, तो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, एडलवाइस लार्ज एंड मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। फ्रेंड्स इक्विटी मार्केट में, शेयर मार्केट में, डेट मार्केट में, फ्रेंड्स FD मार्केट में तरक्की करते रहिए फ्रेंड्स, अपनी मनी को डबल करते रहिए फ्रेंड्स। मेरा मानना है फ्रेंड्स 1 लाख से 1 करोड़ बनने में टाइम नहीं लगेगा, लेकिन फ्रेंड्स 0 रुपए से 1 लाख बनाने में सर का पसीना पैर तक आ जाएगा। तो फ्रेंड्स उसी मेहनत के साथ लगे रहिए फ्रेंड्स, जंग जीतेंगे, जरूर करोड़पति बनेंगे फ्रेंड्स, सब बनेंगे फ्रेंड्स करोड़पति। वीडियो अच्छा लग रहा हो फ्रेंड्स, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद।